और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में 99 बाल मजदूर छुड़ाए गए हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लुधियाना बठिंडा में श्रम विभाग की रेड पड़ी, होटल दुकानों पर भी श्रम विभाग के छापे पड़े हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज पर बड़ी कार्रवाई की खबर आई है सामने। 99 बाल मजदूरों को छुड़ाया गया है, लुधियाना और बठिंडा समेत कई अलग इलाकों में श्रम विभाग की रेड पड़ी, जहां होटलों और दुकानों में श्रम विभाग ने छापेमारी मार करके 99 बच्चों को रेस्क्यू किया है। लखनऊ में आज कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने वाले, त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी जुड़ेंगे। एसीएस ग्रीन डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के सामने दो इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया, दोनों नक्सली कई वारदातों में शामिल थे। वहीं पुलिस ने एक और नक्सली को गिरफ्तार किया है, जंगल की ओर जा रहे नक्सली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस की जांच जारी है। गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने सलमान खान और अरबाज खान दोनों भाइयों का बयान दर्ज किया। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। मध्य प्रदेश के दमोह में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंडोरिया इलाके में बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने सड़क पर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में खाली डिब्बे लेकर सड़क पर आए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को यहां 1.5 महीने से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि भीषण गर्मी में पानी के लिए भटकना पड़ता है। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, यहां पर तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को कुचला। लोग सड़क किनारे जा रहे थे, इस दौरान पीछे से आ रही कार ने लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। वो इस हादसे में 4 लोगों की हालत नाजुक है। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में तोड़ फोड़ कर दी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।